मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 मार्च 2023 के सकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बापा दादा बोले, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है, उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है। और उत्तर में बाबा समझा रहे हैं कि मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है कि ये कहां भौं-भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें, ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। मुरली का गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि और सत्युग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं, सत्युगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है फिर वह औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सत्यु का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है, यह किसी को पता ही नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हठ से, भूख हड़ताल आदि करके, और यहाँ तो वह कोई बात नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं मीठे बच्चे, स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सत्युग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता, और यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना, यह भी दुख का वार है। किसी को बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसी को भी ये दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं कि भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का और गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का नाम तो ही नहीं, श्री कृष्ण की राजधानी है सत्युग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सत्युग में हुआ, वहां तो कंस, रावण, शूर्पणखा आदि हो ना सके। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा,
और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं, वह क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उनके औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं, माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में थोड़ा घृत कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर वन अनुभवी मैं हूँ, रुत्सम से जरूर माया रुत्सम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हैं कि हे दीवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। कैसा अभ्यास? कि कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है, यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखें कि भौं-भौं करते हैं। अगर कोई भौं-भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है, समझा जाता है कि इनमें क्रोध तो था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े, और फिर कहा जाता है किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते, बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अटोल रहना है। अंगद मिसल, यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है, कोई हथियार पावर नहीं लेते हैं, बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है, शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं, कहां मार्चन देखी और घुस पड़ते। यह पांच चोर अंदर का बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, पांच विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम, और सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है, हंगामा होता है। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है, फिर उनके अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है, इसलिए बाप कहते हैं महापापी महाबेसमझ महाकंबक्त देखना हो तो यहाँ देखो। देखो बाबा ने कितने
सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है कि बाबा कहते हैं अगर कोई महापापी महाभेसमझ महाकंबक्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुलटा डाल लेते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं, जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। जानते हुए भी जो कुछ करते रहते गलती करते रहते हैं तो बाबा कहते धर्मराज से छूटेंगे नहीं, उनकी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करें जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो, उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मार लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं, कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है, जो ट्रेटर वन बेकने डालते हैं उन पर बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर, या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा, बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का तो रिगार्ड रखना है ना। वंदे मातरम गाई जाती हैं, बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं, तो सिकिलदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारे जीते जी नया चित्र बनाते हैं, बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं तो उनको इनाम मिलता है। तो ये बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे ऐसे चित्र बना रहा हूँ जो तुमको शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो, बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। यह बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना, यह है नंबर वन सर्विस जिससे सारी दुनिया पलट जाती है और उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है, यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं, दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो, बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है और फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं, माया एकदम मुंह फेर लेती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं, बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आंखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाबा से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो कैसे मिलेगा सुख का वर्षा? अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है, तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहां बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उनको सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज, इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है, पत्थर से हीरे जैसा। गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया भी हुआ है कि अतीन्द्रिय सुखमय जीवन गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया है यह है बड़ी लॉटरी। तो बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं,
अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहां जो सब सुखी होंगे, यहाँ तो कोई सुखी नहीं है, वहां होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। बेकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा जी को दिल भजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। और दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। बाबा ने वरदान दिया कि सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।